फेडरल बोर्ड जनरल साइंस क्लास टेंथ का 2019 का पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस पेपर का सेक्शन ए सॉल्व किया था और सेक्शन बी के कुछ पार्ट्स सॉल्व किए थे तो आज की वीडियो में हम सेक्शन बी के जो बाकी पार्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि आज की वीडियो का फर्स्ट पार्ट है वैसे ये क्वेश्चन पेपर में इसका बनता है पार्ट टेन तो टेंथ पार्ट का क्वेश्चन क्या है वट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फ्यूज़ यानी फ्यूज़ की मुख्तलिफ अकसाम के बारे में बताना है तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ्यूज़ क्या है फ्यूज इज एन अलेक्ट्रिक अलैक्ट्रॉनिकल डिवाइस यानी फ्यूज क्या होता है एक अलैक्ट्रॉनिक या एक मैकेल आला होता है विच इज यूज टू प्रोटेक्ट सर्किट जो कि सर्किट्स की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्राम ओवर करंट किस चीज से हिफाजत के लिए कि जो सर्किट्स हैं उनमें ओवर करंट ना फ्लो कर जाए इसके अलावा ओवर लोड ना हो जाए सर्किट एंड मेक श्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द सर्किट और फ्यूज के यूज से या फ्यूज के इस्तेमाल से जो सर्किट होता है उसकी हिफाजत यकीनी हो जाती है तो अगर हम कैटेगरीज की बात करें फ्यूज की कैटेगरीज की तो जो लो वोल्टेज फ्यूज होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है पांच टाइप्स में या पांच एक्साम में वो कौन कौन सी हैं रीवायरेबल है कार्टरेज है ड्रॉप आउट है स्ट्राइकर है, है और स्विच फ्यूजेज हैं तो ये क्या है लो वोल्टे फ्यूजेज की कैटेगरीज हैं तो यहां पे ये टेंथ पार्ट कंप्लीट होता है नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं पार्ट नंबर इलेवन का स्टेट ओम्स लॉ यानी ओम्स लॉ के बारे में शॉर्टली डिस्क्राइब करना है तो हम दोबारा से अपनी आंसर शीट की तरफ जाते हैं ओम्स तो लॉ की स्टेटमेंट क्या है ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ करंट जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है यानी करंट की जो मकदार है पासिंग थ्रू ए कंडक्टर जो की कंडक्टर से गुजरती है ओम्स लॉ के मुताबिक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड यानी उस कंडक्टर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है या लगाया जाता है तो वो करंट जो है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करेंगे उतना ही करंट ज्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम करेंगे तो करंट भी कम होगा तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं और साथ साथ क्या होगा इसके साथ साथ कंडीशन कौन होनी चाहिए प्रोवाइडेड एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज यानी कि जो कंडक्टर का दर्जा हरारत है और उसकी जो जाहिर हालत है यानी जो फिजिकल स्टेट है वो तब्दील ना हो तो जब टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट कॉन्स्टेंट रहेंगी तो उस हालत में जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ये वाला जो साइन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है आई का मतलब करंट वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो अगर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दिया जाए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी वी इज इक्वल टू आई आर वेयर आर इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी ये वाला जो था कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उसकी जगह आर आ गया है एंड इज द रेजिस्टेंस और आर क्या है आर फॉर रेजिस्टेंस यानी जो मुजाहमत होती है कंडक्टर के अंदर वो आर से रिप्रेजेंट की जाती है इट्स एस आई यूनिट इज ओहम तो इसका एस SI आई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट है वो ओहम है तो यहाँ पे आके ये पार्ट नंबर इलेवन कंप्लीट होता है नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ई एल सी बी यानी अर्थ लिखित सर्किट ब्रेकर पे शॉर्ट नोट लिखना है तो दोबारा से हम अपनी आंसर शीट की तरफ मूव करते हैं तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ब्रेकर क्या होता है एन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ई एल सी बी इज आ सेफ्टी डिवाइस ये एक ऐसा आला है जो कि सेफ्टी या हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूज इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन यानी जब बिजली की तनसीबात की जाती हैं बिजली की कोई डिवाइस जो है वो इंस्टॉल किया जाता है तो वहां पे ई एल सी बी का इस्तेमाल किया जाता है विद हाई अर्थ इम्पेडेंस टू प्रिवेंट शॉक तो इम्पेडेंस कि, किसे कहते हैं टोटल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कहते हैं तो इसमें क्या होता है ईएलसीबी में हाई अर्थ इम्पेडेंस होती है टू प्रिवेंट शॉक ताकि अचानक से झटका ना लग सके उस डिवाइस को तो ईएलसीबी के इस्तेमाल क्या है इट डिटेक्ट स्मॉल स्ट्रे वोल्टेज यानी छोटे छोटे जो गैर मुतवके वोल्टेजेस होते हैं कहा पे ऑन मेटल इनक्लोजर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी जो इलेक्ट्रिकल या बर्की आले होते हैं उनके कौन से पॉइंट्स जहाँ पे मेटल्स या जो धाते जो होती हैं वो पैक हुई होती हैं यानी इस्तेमाल हुई होती हैं तो वहां पे अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड वोल्टेज आ जाए तो उसको ई एल डिटेक्ट करता है उसकी शनाख्त करता है एंड इंटरप्ट सर्किट इफ ए डेंजरस वोल्टेज इज डिटेक्टेड और अगर कोई वोल्टेज जो है वो खतरनाक हो तो ये क्या करता है सर्किट को इंटरप्ट कर देता है या ब्रेक कर देता है ताकि नुकसान ना हो तो इस तरह से यहाँ पे आके पार्ट नंबर ट्वेल्व कंप्लीट होता है नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं हाउ आर ऑप्टिकल फाइबर्स बेटर देन कॉपर केबल्स इन कम्युनिकेशन यानी मवासलात के सिस्टम में जो ऑप्टिकल फ़ाइबर्स होते हैं वो कॉपर केबल से क्यों बेहतर होते हैं तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम आंसर शीट की तरफ मूव करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं वो कैसे बेटर होते हैं कैसे बेहतर होते हैं कॉपर केबल से फ़ाइबर ऑप्टिक्स केबल आउटवेज कॉपर केबल इन द एस्पेक्ट ऑफ स्पीड और बैंड विथ तो जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं या ऑप्टिकल जो फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आउटवेज का मतलब है एक्सीड कर जाते हैं या ज़्यादा बेहतर हैं कॉपर केबल के मुकाबले में जो तांबे की केबल होती है उसके मुकाबले में इन द एस्पेक्ट किस पहलू से स्पीड रफ्तार के पहलू से या बैंड विथ या इंटरनेट कनेक्शन के हिसाब से इट इज मच फास्टर देन कॉपर केबल तो ये कॉपर केबल के मुकाबले में ज्यादा फास्ट है ज्यादा तेज है कैरीज़ मच हायर बैंड विथ तो इसकी बैंड विथ जो है वो ज्यादा है बैंडविथ जो है वो डाटा ट्रांसफर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है एंड इज लाइटर और ये हल्का होता है स्ट्रॉगर एंड मोर ड्यूरेबल एज वेल यानी ये हल्का होता है लेकिन मजबूत होता है और ज्यादा पायदार होता है एज कंपेयर टू द कॉपर केबल्स तो यहाँ पे आके ये पार्ट कम्प्लीट होता है नेक्स्ट पार्ट क्या है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होलोग्राफी यानी होलोग्राफी क्या है इसके ऊपर हमने शॉर्ट नोट लिखना है तो हम दोबारा से आंसर शीट की तरफ मूव करते हैं तो होलोग्राफ़ी क्या है पहले ये देख लेते हैं होलोग्राफी इज़ ए फोटोग्राफिक टेक्निक यानी ये फोटोग्राफी की एक टेक्निक है दैट रिकॉर्ड्स द लाइट स्कैटर्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट जो कि रिकॉर्ड करती है लाइट की रोशनी की जो कि स्कैटर्ड होती है यानी जब वो लाइट या रोशनी जब किसी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ से टकराती है तो उसके बाद जब ये फैलती है तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हॉलोग्राफी ग्राफी की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है एंड देन प्रेजेंट इट इन अ वे यानी जो लाइट की जो किरने होती हैं सूर्य और जो रोशनी की जो किरने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं तो उसके बाद वो होलोग्राफी की मदद से वो थ्री डायमेंशनल नजर आता है ऑब्जेक्ट तो थ्री डायमेंशनल क्या होता है यानी तीन पहलुओं से नजर आता है फॉर एग्जांपल कि अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी थ्री डायमेंशन की बात करें जैसे हाइट है साइज है वेथ है तो ये क्या है ये डायमेंशनस हैं तो इस तरह से ऑब्जेक्ट के तीन डायमेंशन नजर आते हैं तो यूजेज ऑफ होलोग्राफी क्या है वेरियस टाइप्स ऑफ होलोग्राम्स हैव बीन मेड ओवर द दर्स यानी काफी सालों से जो होलोग्राम्स हैं जो कि इस टेक्निक के लिए इस्तेमाल होते हैं वो बनाए गए हैं इंक्लूडिंग जिसमें कौन कौन से शामिल हैं ट्रांसमिशन होलोग्राम्स विच अलाउ लाइट टू बी शाइंड थ्रू देम यानी से जो है वो लाइट पड़ती है एंड द इमेज टू बी व्यूड फ्रॉम द साइड और जो इमेज है जो अक्स नजर आता है किसी चीज का वो हम साइड से देख सकते हैं ट्रांसमिशन होलोग्राम की मदद से एंड रेनबो होलोग्राम्स क्या होते हैं विच आर यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस जो कि सेफ्टी के मकासद के लिए या हिफाजत के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे क्रेडिट uh, कार्ड्स में एंड ड्राइवर लाइसेंस और ड्राइवर्स जो लाइसेंस होते हैं उसमें भी रेनबो होलोग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पे आके ये पार्ट कंप्लीट होता है नेक्स्ट पार्ट क्या है डिस्क्राइब द स्टेप्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर कैन यानी गन्ने से जो शुगर बनती है या चीनी बनती है वो किन स्टेप्स की मदद से बनती है इसके बारे में हमने डिस्क्राइब करना है तो स्टेप्स देख लेते हैं जो कि शुगर की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या होता है शुगर कैन जूस इज एक्सट्रैक्टेड जो गन्ने का रस है वो निकाला जाता है बाय प्रेसिंग द कैन थ्रू मिल्स यानी गन्ने को जब प्रेस किया जाता है मिल के अंदर उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उसके अंदर से रस निकलता है एक्सट्रैक्टेड जूस मिक्सड विद वाटर जो जूस होता है निकाला हुआ जो जूस होता है उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है इज वेड वजन किया जाता है एंड सेंट टू द दॉयलिंग हाउस और उसको बॉयलिंग उबलने के लिए इस्तेमाल होता है तो ऐसे हाउस या ऐसी जगह भेजा जाता है जहां का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ताकि उस पर फर्दर स्टेप्स किए जा सके रेजिडल बे इज़ सेंट टू बॉयलर्स फॉर यूज़ एज फ्यूल फॉर स्टीम जनरेशन यानी कि जो गन्ना होता है उसके अंदर से जब जूस निकल जाता है तो पीछे से जो बाक्यात बच जाती हैं उसको बेगैस कहते हैं रेजिडुअल यानी बाक्यात तो उसको बॉयलर्स में भेजा जाता है ताकि उसको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए यानी वो जो आ, मटेरियल बच जाता है उसको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्टीम जनरेशन या जो भाप है वो बनाई जा सके इस ईंधन की मदद से तो जो जूस होता है जिससे शुगर बनानी होती है उसको क्या किया जाता है दिस जूस इज हीटेड एंड देन ट्रीटेड विद मिल्क ऑफ लाइम एंड सल्फर डाई लाइम क्या होता है जो कि लाइम स्टोन से हासिल किया जाता है तो उसका जो मिल्की uh, सा जो सोलूशन होता है उसमें और सल्फर डाई में ट्रीट किया जाता है जूस को यानी हीट किया जाता है द ट्रीटेड जूस इज देन फर्दर हीटेड तो ये वाला जो जूस होता है जिसको सबसे पहले लाइम और सल्फर डाईऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है उसके बाद इसको फर्दर यानी मजीद हीट किया जाता है गर्म किया जाता है एंड सेंड टू क्लेरिफायर्स यानी ऐसी मशीनरी में भेजा जाता है जो कि इस जूस को साफ़ कर सके फॉर कॉन्टिन्यू सेटलिंग ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं या जो अनवांटेड मटेरियल है वो सेटल कर सके या वो तह में बैठ सके तो जो क्लियर जूस होता है जो साफ जूस होता है उसको एवापोरेट किया जाता है यानी उसको गर्म करके उसके बुखारात बनाए जाते हैं टू अ सीरप स्टेज ताकि उस वो गाढ़ा हो सके और वो उसका सीरप बन सके सिरप जो गाढ़ा-गाढ़ा सा फ्लूड होता है उसको सिरप कहते हैं और उसके बाद उसको ब्लीच किया जाता है सल्फर डाई ऑक्साइड के साथ जो कि के एक केमिकल है एंड देन सेंट टू वैक्यूम पैनस और फिर इसको वैक्यूम पैंस में भेजा जाता है यानी खास किस्म के आगे मशीनरी होती है उसमें भेजा जाता है फॉर फर्दर कॉन्सेंट्रेशन ताकि ये जो सिरप है ये मजीद गाढ़ा हो सके एंड शुगर ग्रेन फॉर्मेशन और जो चीनी के जो दाने दाने से बनते हैं वो बन सके क्रिस्टल्स आर डिवेलप टू ए डिजायर्ड साइज जो चीनी के क्रिस्टल से बनते हैं तो उनको डिजाय साइज यानी अपनी पसंद का जो जितना भी रिक्वायर होता है उस साइज के मुताबिक डेवलप किए जाते हैं एंड द क्रिस्टेलाइज्ड मैस इज देन ड्रॉप्ड इन द क्रिस्टेलाइजर्स और ये जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं इनको क्रिस्टलाइजर में फिर भेज दिया जाता है या डाल दिया जाता है टू एग्जॉस्ट द मदर लिकोर ऑफ इट्स शुगर एज मच एज पॉसिबल और मदर uh, लिकोर किसे कहते हैं वो वाला मटीरियल या वो वाला सोल्यूशन जिससे कि ये चीनी बनाई गई है या वो वाली जो लिक्विड रिमेनिंग जिससे चीनी बनती है उसको वो इसका मदर लिकोर है शुगर का तो क्रिस्टलाइजर में डालने का ये फायदा होता है कि उस मदर लिकोर से जितनी ज्यादा चीनी जो है वो हासिल की जा सकती है उतनी हासिल हो जाए दिस इज देन सेंट्रीफ्यूज फिर उसके बाद मदर लिकोर को जो है वो सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो सेंट्री फ्यूज का क्या मतलब होता है सेंट्री फ्यूज का मतलब होता है जो मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल होते हैं एक ही सोलूशन या एक ही मटीरियल के अंदर वो अलग अलग हो सकें तो जो मदर लिकोर होगा उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन का फायदा ये होगा कि जो चीनी के क्रिस्टल्स हैं वो अलग हो जाएंगे और एक और गाढ़ा सा मटीरियल ब्लैक से कलर का मटीरियल रह जाएगा जिसको मुलासिस कहा जाएगा तो मोलेसिस जो है वो शुगर कैन से जो शुगर बनाई जाती है उसके आखिर में जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ब्लैक से कलर का मटेरियल बचता है उसको कहा जाता है तो मोलेसिस इज़ रीबॉयल्ड मोलेसिस को दोबारा बॉयल बो, किया जाता है फॉर फर्दर क्रिस्टलाइजेशन ताकि मज़ीद जो चीनी के क्रिस्टल्स हैं वो इससे अलग हो सकें और बाकी क्या चीज़ रह जाए मोलेस द शुगर दस इज़ सेपरेटेड फ्रॉम मोलेसिस इन देंट्रीफ्यूज तो सेंट्रीफ्यूज कि जो मशीन होती है उससे शुगर को अलग किया जाता है मोलेसिस से इस ड्राइड खुश किया जाता है बैग बैग्स में पैक किया जाता है वेड वजन किया जाता है एंड सेंट टू द स्टोरेज हाउस और इसको स्टोरेज हाउस में भेज दिया जाता है तो यहां पे आके ये पार्ट कंप्लीट होता है नेक्स्ट पार्ट क्या है वाई अल्ट्रासाउंड इज प्रेफर्ड ओवर एक्सरे अल्ट्रासाउंड को एक्सरे के ऊपर क्यों फोकियत दी जाती है तो इसकी रीजन क्या है इसकी वजह यह है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो सेफर है यानी वो बहुत ज्यादा महफूज तरीका है जस्ट एज इफेक्टिव और जितना ये पुर असर है उतना ही ये महफूज भी है अल्ट्रासाउंड आर पर्टिकुलरली इफेक्टिवली यूज या ये इफेक्टिव होते हैं खास तौर पे फॉर इमेजिंग सॉफ्ट टिश्यूज जो सॉफ्ट टिश्यूज और सॉफ्ट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके इमेज बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव या मौसर है एज वेल एज मोशन या कोई चीज जो है वो अगर मूव कर रही है उसकी इमेजिंग के लिए भी अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल किया जाता है वाइल एक्स रेज आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव जबकि एक्स रेज जो होते हैं वो कब इफेक्टिव होते हैं वो कब मौसर होते हैं फॉर इमेजिंग इमेज बनाने के लिए हार्ट टिश्यूज सख्त टिश्यूज के इमेजिंग के लिए और स्ट्रक्चर्स एंड एयर फिल्ड पार्ट्स हार्ट टिश्यूज और स्ट्रक्चर्स की इमेजिंग के लिए और एयर फिल्ड जो हिस्से होते हैं उसके लिए एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है तो सिक्सटीन पार्ट यहाँ पे आके कंप्लीट होता है नेक्स्ट पार्ट क्या है वट इज स्काई लैब स्काई लैब क्या है तो हम इसके सोल्यूशन के लिए आंसर शीट की तरफ मूव करते हैं तो स्काई लैब क्या है वॉज द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट स्पेस स्टेशन यानी यूनाइटेड स्टेट्स का जो सबसे पहला स्पेस स्टेशन है वो स्काई लैब था लॉन्च बाय नासा जिसको मुतारफ करवाया नासा ने तो नासा क्या है एक खास किस्म का इदारा है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का इधारा है जो कि मुख्तलिफ किस्म के स्पेस प्रोग्राम्स करता है तो इसको जो स्काई लैब है उसको लॉन्च किया नासा ने आकुपाइड फॉर अबाउट ट्वेंटी फोर वीक्स जो की तकरीबन चौबीस हफ्ते चला बिटवीन मे नाइनटीन सेवेंटी थ्री उन्नीस सौ तिहत्तर से लेके फेबर 1974 तक इट वाज ऑपरेटेड बाय थ्री सेपरेट थ्री मैन क्रीज तो इसको चलाया तीन मुख्तलिफ तीन लोगों पर क्रू ने यानी टीमों ने तीन टीमें थी मेजर ऑपरेशंस इंक्लूडेड एन ऑर्बिटल वर्कशॉप इसका जो सबसे बड़े जो ऑपरेशंस थे उसमें क्या चीज शामिल थी ऑर्बिटल वर्कशॉप सोलर ऑब्जर्वेटरी अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स थे और अर्थ ऑब्जर्वेशन थी यानी जमीन की ऑब्जर्वेशन या जमीन का मुशाहिदा था इसके अलावा सोलर यानी सूरज से रिलेटेड जो मुशाहिदात थे वो किए गए तो इस तरह से यहाँ पे ये पार्ट कम्प्लीट होता है तो लास्ट पार्ट क्या है सेक्शन बी का क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट पार्ट के लिए डिस्क्राइब द अपोलो मिशन अपोलो मिशन क्या है इसके बारे में डिस्क्राइब करना है तो अपोलो मिशन क्या था द अपोलो प्रोग्राम वॉज डिजाइंड अपोलो प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया टू लैंड ह्यूमंस ताकि इंसान जो हैं वो उतर सके या कदम रख सके ऑन द मून चांद के ऊपर एंड ब्रिंग देम सेफली बैक और इस प्रोग्राम या इस मिशन के मुताबिक इंसानों को मून पे लैंड करवाना था और उनको फिर वापस वापस भी जमीन तक सेफली या महफूज तरीके से लेके आना था सिक्स ऑफ द मिशन अपोलोज इलेवन ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन अचीव अचीव दिस गोल यानी कि जो छह मिशन थे अपोलो के उन्होंने इस uh, मकसद को हासिल इनमें से जो अपोलो सेवन सॉरी इनके अलावा जो अपोलो सेवन एंड नाइन वर अर्थ ऑर्बिटिंग मिशन तो वो अर्थ या जमीन से रिलेटेड मिशन थे टू टेस्ट द कमांड एंड लूनर मॉड्यूल्स ताकि वो लूनर लूनर किसे कहते हैं चांद से रिलेटेड मॉड्यूल्स को टेस्ट कर सके तो उसके लिए अपोलो सेवन और अपोलो नाइन ने काम किया तो यहाँ पे आके सेक्शन बी का लास्ट पार्ट यानी एटीनथ पार्ट कंप्लीट होता है तो आज हमने फेडरल बोर्ड जनरल साइंस क्लास टेंथ 2019 के पास्ट पेपर का सेक्शन बी कंप्लीट किया